ये किंदे ये बाहर कोई छोड़ गया यार, बाहर तो कोई भी नहीं है। ये क्या कमाल प्यारा चीज है यार। हेलो, ये रखा पेपर ही, कोई पेपर है वो एड्डी लंबी ठस्टी करो जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सब मेरे बच्चे, और आप लोगों ने गवाह है ना कि मैंने इसको बहुत होली दी है, फिर भी अगर ये गंजा होता तो फिर इसकी अपनी किस्त। आज जबरदस्ती मैं पकड़ा गया हूँ, क्योंकि उस दिन आपको याद होगा 2-3 दिन व्लॉग पहले हम ऑयलिंग करने लगे थे, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया। अम्मा की दाढ़ में बहुत दर्द थी, तो आज सुबह सुबह अभी उठा ही हूँ तो मुझे पकड़ के बिठा लिया गया कि ऑयलिंग करवा ले, गंजा हो जाएगा। तो अभी ऑयलिंग करवा के फ्री होके नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके शावर लेंगे, शावर लेके फिर आप सबसे करना है एक मशवरा, उस मशवरे में फिर काम भी करना है। यार सबसे पहले इसको बर्थडे विश कर दो, इसकी बर्थडे है, और इसको ये साइकिल इसके भैया ने और इसकी आपी ने दूर के रिश्तेदार ने गिफ्ट किया। बोलो हैप्पी बर्थडे। मेरी जान का बर्थडे है, सब इसको विश करें आज प्यारा सा। और बड़ी खुश हो रही है वो। साइकिल पे पागल हो रही है, दूर का रिश्तेदार जा चुका है, बंद कर दो शोर ना करो, दूर का रिश्तेदार जा चुका है अपने घर। कल रात को हमने इसकी बर्थडे कर ली थी और इसको इसका गिफ्ट दे दिया था। अम्मा जी याद आया, काफी लोगों के कमेंट आए थे कि भाई आप ये जो ऑयलिंग करते हैं, जो अम्मा आपको ऑयल लगाती हैं, इसका कोई फायदा भी है या नहीं, अगर फायदा है तो हमें भी बता दें इसकी रेसिपी कैसे आपने बनाया। रेसिपी कहते हैं ना, तो हाँ रेमेडी या रेसिपी, तो आप लोगों को बता दो कि आपने कैसे बनाया हुआ है, अगर हमें कोई फायदा हुआ है तो उनको भी हो जाएगा। ये बड़ा आसान तरीका है, कोई फायदा भी है कि नहीं? हाँ आप बताओ ना, आप कितने बार गिरते थे? मेरा हेयर फॉल बहुत होता था, अम्मा बहुत परेशान होती थी क्योंकि हमारे जीन्स में है गंजापन, नाना बू, दादा बू, पापा, ताया बू, चाचू सब, तो अम्मा बहुत डरी हुई थी। 6-7 माह हो गया मुझे ये ऑयलिंग करते हुए, मेरा अब हेयर फॉल नहीं होता, बाद में हल्के तो हैं लेकिन हेयर फॉल नहीं होता। क्या कैसे बनाते हैं? इसका बड़ा आसान तरीका है, मेथरे लेने हैं उनको भिगो लेना, फिर वो कॉटन का कपड़ा लेके उसमें मेथरे डालो, गिरा लगा के लटका देना उसको 2 दिन के लिए। जब आप उसको तीसरे दिन खोलोगे वो उगा हुआ उसमें से ना उग जाएगा, नीचे छोटी छोटी चीज़ें निकल आएंगी। फिर उनको आपने खुश करने के लिए 1 दिन रख देना, जब अच्छे से खुश हो जाए, और सरसों का तेल आपने लेना अच्छा वाला तेल, बोतल ला के वो जो आपने मेथे उसमें डाल दें तेल में, 2-3 हफ्ते के बाद आपने ना उसको ऐसे ही ला के यूज करना, इस्तेमाल करना हफ्ते में 2 बार। बस मेथड़े अचार वाले आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे मेथड़े, उनको आपने भिगो के कॉटन के कपड़े में उसका पानी सारा खुश्क होने देना है, 2-3 दिन उसको हैंग करके रखना है, उसके बाद उसे निकाल लेना है। जब वो उगे, जब उसमें से कुछ निकलने लग जाएगा, उगने लग जाएगा, फिर सरसों का तेल कोहलू से लेना है, ये दुकानों शुकानों वाला नहीं लेना, उसको खुश करना पहले, उसे खुश करके उसके अंदर डाल के खिला के अच्छे तरीके से 1-2 हफ्ते के बाद उसे यूज करें। हफ्ते के बाद? हफ्ते नहीं, हफ्ते नहीं। हेयर फॉल का बहुत अच्छा ये ऑयल है। अम्मा जी बस कर दो, 1:15 हो गया, मेरी जान निकल रही भूख से। नाश्ता मेरा बना पड़ा हुआ, लेकिन जी शर्त पहले ये थी कि पहले ऑयलिंग करवा फिर नाश्ता मिलेगा। सैंडविच आ गए और ये मैंगो का शेक आ गया, नाश्ता कर लेते हैं पहले। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अब आपसे कर लेते हैं मशवरा जो मैंने आपसे मांगना था। हाँ जी करो करो, अभी सामने दरवाजा, ऐसे दरवाजा खोल यार, दरवाजा खोल। अच्छा मशवरा ये करना था कि मैं करवाने लगा हूँ बाल छोटे छोटे, इन सेंस के साइडें बिल्कुल बारीक और ऊपर छोटे छोटे से बाल, और ये जो खत है ये एज इट इज ऐसे ही। हाँ जी ये बाहर कोई छोड़ गया, छोड़ गया। हाँ मैं गया हूँ, वैगनोर गाड़ी खड़ी थी, वो स्टार्ट थी, मैंने जैसे ही देखा तो वो गाड़ी चली गई। कौन सी गाड़ी खड़ी थी? वैगनोर। वैगनोर नहीं, वैगनार। वेख ना कौन सी, पागल आदमी। ओए इधर यार, यार बाहर तो कोई भी नहीं है, ये क्या कमाल प्यारा चीज है यार। हेलो, ये रखा पेपर ही, कोई पेपर है वो एड्डी लंबी ठस्टी करो, ये मम्मा ये तो इसके लिए तो ट्रांसलेटर लाना पड़ेगा हमें कोई। पापा ये पढ़ना जरा। व्हाट आर यू गोइंग, 1 मिनट यार ये कितना प्यारा है, अरे लजी गलत ना किसी का डिलीवर हो गया, वापस नहीं करना, दिखाओ 1 मिनट। अच्छा जी ये पेपर साथ आया है,
हाय रजब। और यार सुन लो ना, मैं मेरी बात सुनो, हाँ इसको पंखे के नीचे रख, ये बालों वाला है, मेरा नहीं ख्याल ये गर्मी में सरवाइव कर सकता होगा, इसको पंखे के नीचे रख। इधर आओ, पढ़ के सुनाऊं आप सबको। ये है जी मम्मा जी, हे रजब, होप यू आर, यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल, जस्ट सॉ योर वीडियो एंड आई फेल्ट डीपली सैडेंड अबाउट योर लॉस, सेंडिंग यू स्ट्रेंथ टू गेट थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, डोंट वरी, दीज स्कैमर विल सी द एंड ऑफ इट इंशाल्लाह। Also, I am huge fan and I love watching your vlogs. You are doing amazing work and always bring a smile to my face. Oh, edda lamba bibi ke biba jada bhi hai. I know it's not the same breed that you ordered, but I have this one that I really loved with all my heart. And since you made me smile in tough times, I hope my gift will make you smile. And I don't want anything in return, just a small present for you and your family. Thank you. So take care. Looking forward to your next video. Love you. XO XO. ये XO XO पता नहीं क्या है, मतलब ये अपना तो है। अब तू अपन का है, इधर आओ, तेरी बात। तो यार ये है क्या, ये इसकी कौन सी ब्रीड है, ये इसे क्या कहते हैं? जो भी है बहुत प्यारा है। हैं वैसे केडी ब्रीड है कुछ पता ही? निकाल जरा बाहर निकाल यार, आई स्वेर खुदा की कसम। हाँ जी, पहले जिसने जो भेजा उसे मेरी तरह दिल की कह रही है शुक्रिया अदा कर, मुझे बहुत, मुझे क्या पता किसने भेजा, मुझे पता होता तो मैं, नहीं नहीं अपने व्लॉग के, हाँ ऑब्वियस बात है वो व्लॉग देखते होंगे। बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। मैं आप लोगों को पता ही है मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे कुछ पैसे खाए गए, लेकिन वो कुत्ता मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद था वो, इसलिए मैंने बगैर सोचे समझे उसके पैसे भेज दिए थे। लेकिन ये बहुत क्यूट है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, आपकी ब्रीड क्या है, आपका नाम क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अभी इसको लेके जाता हूँ डॉक्टर के पास। हम अभी नाम भी सारे मिलके रखेंगे इसका, जिसमें इसका नाम बताएं क्या रखें, इसका नाम आप सब बताएं क्या रखें, और इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इसकी ब्रीड वगैरह पूछते हैं, ये खाता पीता क्या है, बिकॉज बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है, मुझे नहीं पता किसने भेजा है, कैसे काम मतलब इसका सारा करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा यार, वैसे ये ऑयल एक डेढ़ घंटा लगा रहना चाहिए, लेकिन अब ये छुटकला जो हमारे घर में प्रेजेंट आ गया हमारा किसी प्यार करने वाले की तरफ से, तो इसको लेके जाना है हॉस्पिटल, एक्साइटमेंट नहीं कंट्रोल में आ रही, तो मुझे मजबूरन अभी ये जो ऑयल है इसे रिमूव करना पड़ेगा। शावर लेते हैं और भागते हैं क्लिनिक। ओके जी, चलो चलते हैं अवैस, इसको टोकरी में डालो और गाड़ी में रखो, इसको लेके चले क्लिनिक में। अम्मा चलो मेरे साथ, जरूरी तो नहीं लेकिन मेरे साथ आ जाओ ना, ऐसे मैं अकेला क्या करूंगा, आ जाओ। आप किधर चल पड़े हो, आपने नहीं जाना? अच्छा चलो 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 चलो, आज 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 आज। हेलो बीबी, आपका क्या नाम रखें बताओ? हेलो बीबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो मम्मा जी, जबली मेरे दिमाग में बात आ रही है, मैंने कहा जिस तरह का दौर जा रहा है महंगाई का, तो ये मुझे महंगा लगता है, इस तरह क्यों किसने भेजा, हमें किसने भेजा हुआ यार, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं हो रही हूँ क्योंकि दौर बड़ा महंगाई का, और मेरे पैसे वो खा गया, तो ये किसको इतना प्यारा किसने भेज दिया ना? बड़ा मजे का सवाल है, मैं जवाब देता हूँ आपको। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअल जवाब तो इसका मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हाँ थोड़ा सा ब्लेस है हम, अल्लाह का शुक्र है लोग प्यार करते हैं। आपने मेरी ना वो वीडियो नहीं देखी फ्रॉड वाली, मेरा ख्याल है ये देखी है या नहीं देखी, वो फ्रॉड वाली वीडियो नहीं देखी, मैं ना रोने वाला हुआ था ऑलमोस्ट। एक तो पैसे भी ले गया, ऊपर से कुत्ता मुझे बहुत पसंद था, पैसों की तो चलो खैर है, मुझे कुत्ता बहुत पसंद था, जब वो मिला नहीं ना तो मैं बड़ा ना इमोशनल सा हुआ था, तो मैंने वो वीडियो डाला थी, मैंने वरना इस तरह की वीडियो कभी नहीं लगाई। तो शायद किसी को प्यार आ गया हम पे, यार ये भाई तो रोने वाला हो गया, तो उसके पास होगा वो हमें दे गया, तो ये है कि वो वीडियो देख ही रहा होगा। चले अब अंदर, आज निकालो निकालो निकालो, आराम से आराम से आओ, आ जाओ। अच्छा जी, चेकअप इसका हो गया है, खाने में इसका हमने ये टेस्ट ऑफ वाइल्ड लिया, ये 6,000 रुपये का ये पैकेट आया है। उसके अलावा डॉग हमारे की ब्रीड है शिट्ज़ू, डॉक्टर साहब क्या नाम है, शिट्ज़ू शिट्ज़ू शिट्ज़ू। और ये अभी आपका क्या ख्याल है कि जो बच्चा है ये कितने का होगा? मतलब 40-50,000 का ये बच्चा है। तो अभी ये ले लिया इसका, खाने की ट्रे ले ली, और कुछ लेना? नहीं, मैं देख लो, क्योंकि इसके तो सारे बालों वाले काम है ना, तो शैम्पू को बेहतरीन किस्म का, हाँ शैम्पू अच्छा है इसका। आपको याद है फर्स्ट टाइम मैंने उसको सनसिल्क से नहला दिया था डेक्स्टर को,
मेरे पास एक डॉग था, मैंने उसे सन सिक से नहला दिया, उसके बाल सारे उतर गए। ये पेट वाइटनर शैम्पू है, ठीक है, इसके वो वाइट करता है, ठीक है। भाई स्मॉल ब्रीड का ये केराटिन प्रोटीन वाला शैम्पू है, कौन सा सही रहेगा देख ले खुद ही, मेरा ख्याल ये लगा देता है, यही करते हैं फिर, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ब्रीड है शिट्ज़ू, एज है ऑलमोस्ट 50 डेज। दांतों से देख के डॉक्टर्स जो हैं आपके जानवर की उम्र बताते हैं, उसके अलावा प्राइस वो कह रहे हैं कि जी मिनिमम भी 40,000 to 50,000 रुपीस का ये पपी मिलता है, और आपका पपी जो है हेल्थी है, साफ सुथरा है, मिनिमम 45,000 to 50,000 का है। अभी हमने इसका फूड ले लिया, डॉग फूड, उसके अलावा 3-4 चीजें और ली हैं जो मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ। आ जाओ जानू, आ जाओ 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 आ जाओ, यार हर वक्त सोया ही रहता है यार ये भाई, वो सामान निकाल ले। अच्छा जी, ये ही डॉग है, शी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया इसके पानी पीने के लिए, और ये आ गया कुछ खाने पीने के लिए, जो कोई हम चीज़ डालेंगे डॉग फूड वगैरह। उसके अलावा ये आ गया जी इसका शैम्पू, ये आ गया जी इसका ब्रश जिससे इसके हम बालों को कॉम करेंगे, और ये खाना आ गया। कोशिश की थी कि रॉयल कैनन का ले लें, लेकिन रॉयल कैनन का छोटा पैक पड़ा नहीं हुआ था, बड़ा वाला पैक था जो कि 35,000 की खाली बोरी ही थी, तो हमने ये ले लिया। ये भी बहुत मजे का ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है। उम्मीद पूरी है कल इंशाल्लाह पहला मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगा, और खाने में क्या बन रहा है, जाने मन जाने जहान, खाने में क्या बन रहा है? शिमला मटर। हाय हाय, शिमला मटर, मटन, मुझे लगा मटर। यार मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप ये टक 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 दोबारा क्यों करते हो, जान के करते हो ना, शेफ जाकिर बन जाते हो साथ ही, जैसे ही मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, बट साहब को समझा देते हैं कि इस डॉग को हमने क्या खिलाना है और क्या नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले भी एक दो बार डॉग रहे हैं, तो बट साहब की आदत होती थी कि इन्होंने आते जाते कुछ ना कुछ जो इनका दिल करना है इन्होंने खिलाई जाना, उसको खिलाई जाना। मेरी बात सुन लो बट साहब, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि ये डॉग सिंपल डॉग्स की तरह नहीं है, ये बहुत ही नाजुक होते हैं और ज़्यादा बड़े नहीं होते, इनके बालों की केयर करनी पड़ती है, चॉकलेट कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें इसे नहीं देनी, इसे देते हैं दही केला सेब डॉग फूड, उसके अलावा कलेजी बॉयल्ड चिकन और बॉयल्ड राइस, दैट्स इट। और ये भी बता दो कितनी तादाद में मेरे डॉक्टर से ज़्यादा खाना बस। हाँ जी, और मेरी बात सुनो, जो डॉग फूड भी देना है ना 10-10 दाने 15-15 दाने भिगो के, ठीक है? ओके ओके, कैसे इधर देख के? ओके। अच्छा जी, सबसे पहले तो प्यारे प्यारे से नेम सजेस्ट कर दे अपने डॉग के लिए, उसके अलावा व्लॉग को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एंड, क्योंकि मैंने खाना खा के जिम भागना है, टाइम काफी हो रहा है, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और हमारा डॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।